जिला सहकारी बैंक में आरबीआई की गाइडलाइन आ गई थी, जिसके माध्यम से हम 500 और 1000 के नोट जमा कर सकते हैं, इस प्रकार का एक आदेश हमको मिला था। उसके आधार पर 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में हमने लगभग 250-300 किसानों से ज़िले में लगभग 4.5 करोड़ रुपए बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमा कराए हैं, और सभी ऋणी किसानों ने ये पैसा जमा किया है जिनके ऊपर जिला सहकारी बैंक का ऋण था।